यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आई एम गुड, आई एम गुड. आप लोग कैसे हैं भाई? अब्बड़ सर की संगीत की डांस देखी, क्या बात है. शुक्रिया शुक्रिया. अब्बड़ सर की संगीत की डांस देखी, उसमें हमारा डांस देखा गया. बताओ, देखो आप तो डांस में नहीं थे, है ना? अब्बड़ सर की शादी में जो हम लोगों ने डांस किया था, तब तो आप तो डांस में नहीं थे ना. आप लोग होते तो पैसे उड़ाते थे, सही बात है कि नहीं? बताओ, आप लोग अगर वहां पर होते थे तो पैसे उड़ाते थे कि नहीं? सच्ची सच्ची बताना, कसम से. शुक्रिया शर्ट डाल के आए हो, क्या होता है भाई? व्हाट डू मीन बाय शर्ट डाल के आए हो? है शर्ट पहन के आते हैं कि डाल के आते हैं? किधर डाल के आते हैं भाई, तो नई चीज बता रहे हो आप. एक मिनट बस, चालू हो रहा है. हो गया स्टार्ट. ऑल गुड, ऑल विजिबल. चले आगे. बहुत बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया. अंशकरी, अकबर सर का मूड खराब है तो अकबर सर से बात बात मत करो ना आज. फिर कौन है अकबर सर? अब्बड़ सर तो नहीं लिख रहे आप? अब्बड़ सर का नया नाम है क्या, अकबर सर? चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर भी डांस करके दिखाओ, सुपर चैट कर देंगे. देखो एक ही बात है, वहां डांस देख के आओ, इधर सुपर चैट करो, चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है. टाटा पावर उठा लो ना यार, लॉन्ग टर्म में टाटा पावर उठा लो, कोई दिक्कत थोड़ी. वेरी गुड इवनिंग अनुजा. चलिए करें स्टार्ट. तो देखिए, कल हमने पढ़े थे कुछ छोटे मोटे मुद्दे, है ना? कल हमने जो ये कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने गेम्स पढ़ लिए थे ना. गेम्स हो गए थे क्या अपने? ये तो हो गए थे. फिर लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे हम, यानी यहाँ पर आपका खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम तो तक तो कल हो ही चुका था. फिर हम आपके लैंग्वेजेस पर आ गए थे. तो फटाफट से मैं आपको, है ना, 2-4 मिनट में लैंग्वेजेस का रिवाइज करवा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं, है ना? समझिए कि भाई कल तक कोशिश है कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, है ना? कल तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. समझिए कि ये चैप्टर आपका अब आखिरी सांसें ले रहा है, एकदम परफेक्ट, क्लियर है? चलिए चलिए, सुनिएगा. बच्चे कह रहे हैं यू आर लुकिंग डिफरेंट टुडे. क्या अभी थोड़ा सा कल टाइम मिल गया ना, तो अभी मैंने क्या थोड़ा ट्रिम वगैरह कर लिया है. अभी टाइम नहीं मिल रहा है तो बाल भी सेट करवाने. चलो, ओम कह रहे हैं हथियार निकाल दो. थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, अभी इतना फ्लो नहीं बढ़ा उसके बाद. प्रीति, क्या दिक्कत है क्या उससे, जिप्सी सोल लेकर रहने से दिक्कत है क्या? क्या होता है जिप्सी सोल से? एनसीबी वाले तो नहीं आ जाते ना? एनसीबी वाले रेड वेड तो नहीं मार देंगे? हमको भी रख रहे हैं नहीं तो, शाहरुख खान के बेटे के साथ. चले करेगा स्टार्ट. सुनिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम, ये हरियाणा में होने वाला है फरवरी 2022 में. तो लेटेस्ट चीज पढ़ी थी हमने. फिर कल से हमने यहाँ से पढ़ा था, कपिल देव टू बी फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपके कहाँ में, कहाँ पर है? 2019 में हमने हरियाणा में बनाई थी, और वहां का हमने फर्स्ट चांसलर मतलब काइंड ऑफ हेड जो होता है ना, हमने किसको बनाया था यहाँ पर? कपिल देव जी को बनाया था. और हमने किसको बनाया था भाई यहाँ पर? हमने कपिल देव जी को बनाया था, करेक्ट? तो ये थर्ड ऐसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है. एक गुजरात में बन चुकी है ना, एक आपकी जो है तमिलनाडु में बन चुकी है, और थर्ड वाली आपकी यहाँ पर हरियाणा में, ठीक है? एक आपकी जो गुजरात में हो गई, एक आपकी तमिलनाडु में हो गई, और अभी थर्ड वाली आपकी हरियाणा में हो गई. परफेक्ट, क्लियर है? चले आगे, सुनिएगा. नेक्स्ट, आपका पीवी सिंधु वॉन गोल्ड एट 2019, है ना, एट द 2019 वर्ल्ड, आपका जो बैडमिंटन वर्ल्ड, है ना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप. तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी, तो 2019 में इन्होंने गोल्ड जीता था, क्योंकि 2019 में किसके साथ खेल रही थी, जिसका नाम ही हारा था, जिसका नाम था ओकुहारा, है ना, जापान की ओकुहारा थी. तो उसको तो हारा थी या था, जो भी था, है ना, उसको अपन ने हराया था.
और फिर यहाँ पर पीवी सिंधु के पास टोटल जो है 5 मेडल्स हैं, ये चौथी ऐसी ही व्यक्ति हैं और शी इज दी फोर्थ सिंगल्स प्लेयर जिनके पास सारे के सारे मेडल्स हैं। तो 2 ब्रॉन्ज हो गए, 2 सिल्वर हो गए और 1 आपका गोल्ड हो गया। नहीं बिल्कुल दीक्षा उसके बाहर नहीं आएगा, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अब मुझे लगता है ना हथियार निकाल लेना चाहिए। यस थैंक यू सो मच यार, है ना हथियार निकाल लेते हम। चले करंट अफेयर्स में मॉड्यूल है, कवर कर पाएंगे ना? बिल्कुल कर कर क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। चलिए ये आपके चैप्टर हो जाए, फिर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं आपको जो है बुलेटिन भी करवा दूँ, जो भी 4-5 महीने की आई हुई है वो बुलेटिन में आपको करवा दूँ, ठीक है, लेटेस्ट वाली। और फिर उसके बाद अपन आगे चैप्टर के साथ बढ़ेंगे। चले शुभम कह रहा है मैं न्यू स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवान को बुलाओ, बाद में बुला लेंगे, अभी ये तो पढ़ लो, ठीक है। 2 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर और 1 आपका गोल्ड है। देन लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स, तो अपने पास टोटल जो अब लैंग्वेजेस वर्ल्ड में है वो है 7139, ठीक है। ये कौन बताता है? तो एक तरह का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए का जिसका नाम है एथनोलॉग, एथनोलॉग करके है, है ना, कल मैंने आपको बताया था कहाँ गया एथनोलॉग, ये एथनोलॉग लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से अब वर्ल्ड में 7139 जो है वो टोटल लैंग्वेजेस है। उसके पहले आपको दिया गया था कि भाई लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज करना है, तो सबसे पहले आपको बोला था विदिन स्टेट कौन सी यूज करना है, एक कोई भी पर्टिकुलर स्टेट रहेगा तो वहां पर कौन सी वाली लैंग्वेज यूज करना है, तो स्टेट खुद डिसाइड कर सकते हैं, है ना, स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा ना वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वाली लैंग्वेज को ऑफिशियल माना जाए। अगर उन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया है तो फिर क्या, अगर उन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया है तो फिर क्या हिंदी को माना जाएगा, है ना। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने खुद डिसाइड किया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं तो फिर हिंदी को डिसाइड किया जाएगा। सिमिलरली ऑफिशियल पर्पज के लिए लैंग्वेजेस कौन सी यूज करनी है, है ना, इनको विद इन स्टेट ऑफिशियल पर्पज के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है तो डिसाइड कर सकते हैं, और अगर नहीं किया तो इंग्लिश करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो फिर इंग्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। तो ऑफिशियल पर्पज के लिए इन्होंने डिसाइड किया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं किया तो फिर इंग्लिश करना पड़ेगा। तृप्ति करवा देते रिचार्ज आपका, कितने का, 5 रुपये का होता है क्या, 5 रुपये में चल जाएगा ना, 1 घंटा भिजवा देता हूँ ऑफिस से, रुको। ये हो गया पहला वाला आपका विद इन स्टेट, सेकेंड वाला बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना, अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है या बात कर रहा है, या एक स्टेट जो है, यह सलोनी इसके बाद अपन बुलेटिन करेंगे चैप्टर के बाद, या एक स्टेट जो है वो दूसरे यूनियन टेरिटरी के साथ अगर किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट कर रहा है तो लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, तो जो यूनियन यूज करता है, जो यूनियन यूज करता है, जो सेंटर यूज करता है वही वाला ये भी कर लेगा, ठीक है। और अगर यूनियन वाली फॉलो नहीं करनी है तो स्टेट्स आपस में हिंदी डिसाइड कर सकती है, ना, या फिर क्या, स्टेट्स आपस में हिंदी डिसाइड कर सकती है, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर आपस में स्टेट्स यूनियन वाली लैंग्वेज फॉलो करेंगे, यूनियन बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉलो करता है वही फॉलो करेंगे, नहीं तो म्यूचुअली, है ना, नहीं तो म्यूचुअली कितना, हिंदी। तृप्ति करी मात्र 11 रुपये, मैंने तो 5 रुपये बोला था, 11 रुपये आपने कैसे सुन लिया भाई, ना ना, है ना, ईयरफोन्स भी बदलने पड़ेंगे आपको। चलो नेक्स्ट है आपका स्पेशल डिमांड, इन्होंने आपको कहा था कि अगर किसी स्टेट में लोग चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर ये लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है और इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है डेजिग्नेशन दर्जा दिया जाए, तो आप प्रेसिडेंट से जाके अप्रूवल ले सकते हैं, है ना, MTPs भी करा देंगे, बिल्कुल पल्लवी करा देंगे, कोई बात है क्या आपके लिए? चलिए तो यहाँ पर क्या बोला है, ना स्पेशल डिमांड में अगर लोगों ने बोला कि भाई हमको इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है तो प्रेसिडेंट से अप्रूवल बिल्कुल बिल्कुल ला सकते हैं। परफेक्ट, क्लियर है, डन। चलिए अब नेक्स्ट जागृत CA के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब CA मतलब भाई कौन से लेवल पे हो तो बता दो, फाउंडेशन में हो, इंटर में हो, फाइनल में हो। देन उसके बाद एज पर एथनोलॉग जो अपने पास टोटल लैंग्वेजेस हैं वो मैंने आपको लिखवाया था भाई कितनी है, 461 है इंडिया में जो टोटल लेवल, यहाँ पे जो मेन लैंग्वेजेस है 461 है, 461 में 447 अपन लिविंग मानते हैं और बाकी जो 14 है वो एक्सटिंक्ट मानते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो बिल्कुल अब, है ना, खत्म हो ही चुकी है, उसको आप बोलते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है। देन, है ना, लिविंग में हमने बोला था कि 419 इंडिजीनस है, 28 नॉन इंडिजीनस है, है ना, यहाँ पर जो लिविंग है ना 447, उसके दो तरीके से बाइफर्केशन थे, एक था, है ना, एक था 419 आपके इंडिजीनस है, 28 नॉन इंडिजीनस है। इंडिजीनस बोले मतलब जो इंडिया में बनी हुई है, नॉन इंडिजीनस मतलब बाहर से अपन ने मिक्सचर करके बनाया है, वो आपकी होती है नॉन इंडिजीनियस, ठीक है। और इसको बांटने का एक और तरीका था ये वाला कि अपने पास 63 इंस्टीट्यूशनल है, 130 जो है वो डेवलपिंग है, 187 जो है वो विग्रस है, विग्रस मतलब बहुत ही जोरों शोरों से यूज की जाती है, 54 जो है वो क्या है आपकी, है ना, ट्रबल में है,
ना दिक्कत में है और 13 उनकी डाइंग है, 13 मरने वाली है, ठीक है, परफेक्ट क्लियर, बहुत ही बढ़िया है ना। दिया करिए सीए मतलब करेंट अफेयर्स, वाह रे वाह, सीए मींस करेंट अफेयर्स, आपने बताया नहीं मुझे, आपने इसका नामकरण कर दिया है ना, फंक्शन रखते थे अपन बढ़िया इसका। यहाँ पर तृप्ति बजाज को जब मैंने बोला कि 5 रुपये का रिचार्ज कराऊंगा तो 11 रुपये सुन रही है ना, फिर बोल रही है कि ईयरफोन के भी पैसे भेज दो 100 रुपये। तृप्ति बजाज ये सिर्फ तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब अगर मैं आपको सीएस एग्जीक्यूटिव की फीस अज्यूम करो कि मैं आपको 30,000 बोलूँ और आप 60,000 सुनो, तो फिर मैं आपको ये सब देने के लिए तैयार हूँ है ना। 11 रुपये की जगह मैं आपको 100 रुपये का भी रिचार्ज करवा देता हूँ, 100 की जगह 1,000 रुपये का भी आप क्या कर लो है ना, ईयरफोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर भी चीजें एप्लीकेबल हो गया, मैं आपको बोलूंगा 30,000, आप बोलोगे अरे हमको तो लगा 60,000, कोई बात नहीं। अब अगर आप अग्री करते हो है ना तृप्ति बजाज, तो हम आगे बढ़ेंगे है ना। शुक्रिया प्रियंका, शुक्रिया। चलिए तो ये भी डन, क्लियर है। तो ये आपके नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी है ना। यहाँ पर बोला था कि 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है वो हिंदी यूज करती है ना। ये इंडो इंडियन इंडो आर्यन ब्रांच है, किसका, इंडो यूरोपियन फैमिली का, इंडो यूरोपियन फैमिली है ना, बड़ी सी फैमिली है, देन उसमें से एक बालक बालिका होती है ना, तो वैसे ही यहाँ पर इंडो आर्यन ब्रांच है। ऑफलाइन बैच यार है, प्लान तो है अभी, लेट्स सी। ऑफलाइन प्लान का बिल्कुल बिल्कुल बैच का प्लान चल रहा था, आज आशीष सर से मेरी बात हो रही थी, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आफ्टर एग्जाम्स, आपको नोटिफिकेशन सब बता देंगे डिटेल में, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लैंग्वेजेस इन न्यूज, तो यूनेस्को जो होता है वो कहता है कि भाई इंडिया में ना वर्ल्ड में 7,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, और 21 फरवरी, ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, 21 फरवरी क्या है आपकी, ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे माना जाता है, 21 फरवरी को इंटरनेशनल है ना, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो माना जाता है, ठीक है। देन 2020 में क्या बोला इन्होंने, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, ये इनकी थीम थी 2020 में, लेकिन 2021 में थीम क्या है ना, 2021 में थीम क्या है, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, क्या थीम है इनकी है ना, फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। प्रतीक कह रहा है सर आज हैंडसम दिख रहे हो, प्रतीक तूने आज लिख के ना दिल तोड़ दिया, बाकी के लिए शुक्रिया। फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये इनका थीम था है ना। फॉस्टरिंग मतलब होता है प्रमोट करना, ठीक है, देन आपका मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है, फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, तो एजुकेशन सोसाइटी में इसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। हिप्शा करी इस चैप्टर में इतना कुछ है, कैसे याद होगा पूरा करेंट अफेयर्स, जब मैं यहाँ पर मैराथन लेता हूँ ना 8-9 घंटे में हो जाता है, पूरा ए टू जेड पूरा करेंट अफेयर्स 8-9 घंटे में मैं पढ़ाता हूँ, तो आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 6 घंटे में हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। हाँ आप कह रहे हैं रोज हैंडसम दिखते हो, बस ये हुई ना बात, थैंक यू सो मच। चले देखो अब नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, तो इंडिया में उन्होंने क्या बोला है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस कितनी हैं, तो 22 हैं, 1635 रैशनलाइज्ड हैं, 234 है ना आइडेंटिफाइबल हैं, 1635 जो हैं वो रैशनलाइज्ड हैं, 1635 जो हैं वो क्या है, वो रैशनलाइज्ड हैं, 234 आपकी आइडेंटिफाइबल है, परफेक्ट क्लियर है। आगे है ना, नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि भाई जो हिंदी है हमारी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उन्होंने भी यहाँ पर उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना था, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, कौन सी स्क्रिप्ट है ये, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख गई है। इसके बाद होगा ना मैराथन, बस आपके एग्जाम आ ही रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो है ना, आपके साथ अब हम सब करने वाले हैं, दिवालियां भी आपके साथ मनाएंगे ऑनलाइन, चिंता मत करो है ना। आपका जब पेपर हो रहा होगा ना तो सामने बढ़िया है ना वीडियो कॉल करके रख देना है ना, और हम आपका चेहरा देखते रहेंगे, पेपर सही से दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बस अभी होगा, अभी मैराथन रिविजन है ना, आपके क्वेश्चन सेशन पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब होंगे, बस अभी निपटा लें। चलिए देन हिंदी इज दी थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ये हमने कल भी पढ़ा था, तो फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है ना, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है, हिंदी इज दी थर्ड मोस्ट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी है, फर्स्ट इंग्लिश है, सेकंड चाइनीज है ना। अंग्रेजी हर जगह बोलते हैं, अब चाइना वाले लोगों की पॉपुलेशन हमसे भी ज़्यादा है ना, हमको हमसे भी ज़्यादा आग है तो ज़्यादा है, हमको थोड़ी कम है तो हम कम है, तो हिंदी वाली थर्ड आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम राजभाषा अवार्ड्स भी बांटते हैं हर साल,
ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ना, ये वाली लैंग्वेजेस, ये सब है ना पुराना मुद्दा हो गया है, इसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा था और सारा का सारा रिवाइज भी कर लिया था। परफेक्ट, क्लियर है? चले हम आगे, सुनेगा। 4 मंथ्स में एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल सिलेबस कंप्लीट हो सकता है क्या? अर्पित, दिन रात पढ़ो, 16 16 घंटे हो जाएगा अर्पित। ठीक है, चलिए। तो नेशनल सिंबल्स में, एक मिनट बस चार्जर लेके आ जाता हूँ, जब तक आप इसको पढ़ो ना, इंडियन फ्लैग के बारे में पढ़ो है ना। यहाँ पर कौन है, प्रतीक कह रहा है आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आपके कमेंट्स, आपके कमेंट्स देख के खुश हो जाता हूँ मैं। चलिए, हमारे नेफ्यू को लाओ अब तो, ये तो गुड समझ रहे हैं। चलिए, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक मतलब उसकी रियल वैल्यू है ना, एक्चुअल कितने का है वो, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक वैल्यू। अब उसका कैलकुलेशन अलग होता है वैसे, इंट्रिंसिक का अकाउंट्स वगैरह में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरली यूज होता है, कैलकुलेशन अलग होता है, लेकिन मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। चलिए करें अब स्टार्ट आगे का। तो कल वाला हमने सारा का सारा रिवाइज किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर नेशनल सिंबल्स, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर नेशनल सिंबल्स। और अगर आपका यहाँ पर साथ रहा, प्यार रहा, कोऑपरेशन रहा, तो हम नेशनल सिंबल्स वगैरह और ये अवार्ड्स वगैरह आज कंप्लीट कर लेंगे। नेशनल सिंबल्स और अवार्ड्स अगर हम कंप्लीट कर पाए तो कल मैं आपको बाकी सारा का सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। हाँ, ये चैप्टर ऐसा है जो जान ही नहीं छोड़ता है, पीछा ही नहीं छोड़ता है। बाकी 3 चैप्टर एक तरफ, ये वाला चैप्टर एक तरफ, ठीक है। अभी ये देखो अंतिम सांसें ले रहा है अपनी। अब मैं आपको वो वाली चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ है ना, जो आपने बचपन में पढ़ के आप भूल चुके हो, ठीक है। विवान को लेके आऊँ क्या, बताओ? विवान को भी लेके आऊँ, उसको बिठाऊँ? चलिए सुनेगा है ना, आप यहाँ पर सुन लो, उसको मैं पढ़ा दूंगा अलग से। चलिए सुनिए, शुक्रिया प्रतीक। नेशनल सिंबल्स में आपको बोला है अलग अलग चीज़ें, कि हमारा नेशनल फ्लैग है तो उसमें 3 रंग होते हैं है ना, बीच में फिर चक्र बना हुआ रहता है, तो ये क्या क्या बताता है? तो ऑरेंज में एकदम फटाफट फटाफट बता दूं आपको, ये आपका पढ़ा हुआ है ना बचपन से। सृष्टि कह रही है आज 10 बजे तक पढ़ाओ, क्या हो गया इतना जोश? शुक्रिया अल्ताफ। चलिए फटाफट फटाफट पढ़ा दूं ना, ये पढ़ा हुआ है ना आपका बचपन में, तो सुनो है ना, बचपन की यादें आपको ताजा करवाते हैं। ऊपर वाला जो आपका केसरिया रंग होता है, जो सेफ्रॉन कलर होता है ना, और वाइट मिडिल में होता है, डार्क ग्रीन आपको दिख ही रहा है ना, रेशियो क्या होता है? तो 2:3 होता है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो है ना 3 की होती है, और ब्रेड्थ जो है वो 2 का होता है, मतलब 2:3 के, जो भी आप मीटर वीटर जैसे बनाओ तो जनरली उस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। तो 2:3 के इसमें जनरली बनाया जाता है, ठीक है, परफेक्ट। देन है ना, इन द सेंटर वाइड बैंड इज अ नेवी ब्लू व्हील, तो ये नेवी ब्लू व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स है ना, जिसमें कितने स्पोक्स बने हैं, तो ये पहले तो नेवी ब्लू आना पड़ेगा ना, रुको, ये ऐसे बनाए है ना, और यहाँ पर जो है फिर ये 24 बने, तो ऐसा समझो कि 24 बने, ठीक है। सेफ्रॉन कलर क्या बताता है? हमारा स्ट्रेंथ और करेज है ना, जो हमारे बीजेपी का भी कलर है, बीजेपी भी यही फॉलो करता है, स्ट्रेंथ एंड करेज बताता है। व्हाइट अपने को पीस बताता है, ग्रीन मतलब फर्टिलिटी ग्रोथ, ग्रीन का मतलब क्या, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, परफेक्ट करेक्ट। डिम्पल कह रही है सर कितना अच्छा चैप्टर है ये, चलो किसी का तो दिल आ गया इस चैप्टर पे। फर्टिलिटी ग्रोथ आपको ग्रीन कलर बताता है, व्हाइट वाला आपको बताता है क्या, पीस, एंड आपका सेफ्रॉन बताता है स्ट्रेंथ एंड करेज, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जो व्हील है वो कहाँ से उठाया गया है ना, फ्रॉम द अबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका है ना। सारनाथ एक जगह है ना यूपी में, है सारनाथ एक जगह यूपी में, तो यहाँ पर है ना एक ऐसे पिलर वगैरह बनाया हुआ है जो काफी पुराना है ना, वहां से ये व्हील उठा हमने यहाँ पर उठाया हुआ है, ठीक है। तो उसको बहुत सारी चीजें है ना, बुद्धा का प्रतीक और क्या 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 माना जाता है, तो ये सब चीजें इसमें, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये कहाँ से उठाया, फ्रॉम द अबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ द अशोका। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड बाई द असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, और हमने फ्लैग देखो फटाफट से तैयार कर लिया था। 15 अगस्त 1947 को हम है ना आज़ाद होने वाले थे ना, तो हमने बोला भाई आज़ादी पे झंडा कौन सा फहराएंगे, तो करीब करीब 1 महीना पहले हमने कहा कि भाई झंडा हम ये वाला अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्लियर। चलिए पढ़िए हम आगे।
पढ़े हम आगे, देखिए नेक्स्ट है आपका नेशनल करेंसी। तो नेशनल करेंसी का जो सिंबल है भाई ऐसा होता है, सो इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ना, एंड इट इज कंट्रोल बाय द आरबीआई। द न्यू सिंबल वॉज अडोप्टेड इन 2010 एंड स्टार्टेड इन सर्कुलेशन ऑन 8 जुलाई 2011। तो 2010 में हमने ये नया वाला जो सिंबल है वो अडॉप्ट किया था, और 8 जुलाई 2011 से हमने इसको सर्कुलेशन में स्टार्ट किया था, और हमने इसका सर्कुलेशन किया था, सब तक पहुंचाया था। परफेक्ट, करेक्ट। वर्तिका कह रही है फ्लैग ड्रॉ करके नहीं करोगे क्या, फ्लैग ड्रॉ करके कलर नहीं करोगे क्या? नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए ना आपको मेरी ड्रॉइंग्स पता ही हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ज़रूर। आगे जून में दोनों मॉड्यूल हो सकते हैं क्या? ध्रुमिल पूछ रहा है, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या नहीं बता रहे हम, क्या नहीं बता रहे। चलिए सुनिए, है ना, इसके पहले क्या था, आपने नेशनल फ्लैग पढ़ा, फिर आपने नेशनल करेंसी पढ़ा, देन स्टेट एम्बलम, है ना। तो ये सब आपने देखा होगा कि यहाँ पर चार जो हैं यहाँ पर अपने को शेर दिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या है सुनना, इसमें क्या क्या है सुनना। द नेशनल द स्टेट एम्बलम इज द अडॉप्शन फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल अशोका, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। इसमें क्या क्या है, इन हाई इसमें क्या क्या है, एलिफेंट है, हॉर्स है, एक बुल है और एक लायन है, है ना। इसमें क्या क्या है, एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है, एक बुल है और एक लायन है, ठीक है। आपको क्या पढ़ा था स्कूल में, लॉयन पढ़ा था कि लायन पढ़ाया था? बस कल इसका जो है अपन जो है इसको जो है ना इसके मन को शांति दे देंगे। कृष्णाली मुझे बता आपको स्कूल में क्या पढ़ा था, आपको लायन पढ़ाया था कि लॉयन पढ़ाया था? ना लायन पढ़ाया था कि लॉयन पढ़ाया था? लॉयन, दिस इज लॉयन एंड दिस इज लायन, लायन पढ़ाया था? सच्ची मैं तो जब भी लायन पढ़ता हूँ ना तो है ना, मैं जब भी है ना लायन, बहुत ही बढ़िया यार। लियोन, गलत दिशा में मत जाओ भाई। खुशी करी लॉयन, बिल्कुल सही बात है। हमारे स्कूल में बताया, हमारे स्कूल में जब भी मैं लायन वर्ड यूज़ होकर मतलब आता है ना तो मैं ये मैंने शेयर करने से रह नहीं पाता हूँ। हमारे स्कूल में जो हमारी अंग्रेजी वाली टीचर थी वो हमको लॉयन लॉयन पढ़ाती थी, सच्ची कह रहा हूँ कसम से, है ना, आपके सर की कसम, आपके सर की कसम, है ना, लॉयन लॉयन पढ़ाती थी। बस पूरे स्कूल में एक ही टीचर ऐसी थी जो लायन बोलती थी, है ना, सिर्फ एक ही स्कूल में ऐसी टीचर थी जो लायन बोलती थी, और हमको लगता था यही बेवकूफ़ है ना, बाकी सब लायन बोल रहे हैं, ये देखो लायन लायन बोल रही है, इसको आता नहीं होगा, लेकिन हमने संकोच किया, उसको जाके कभी बोला नहीं, है ना। फिर बहुत सालों के बाद पता चला कि भाई हमारे साथ स्कूल में धोखा हो गया है, बट ठीक है ना, अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मेजॉरिटी बोले वो सही हो जाता है, है ना, जो मेजॉरिटी कहे वो सही हो जाता है। ये अमन लेके आ रहा है, वो साइलेंट रहता है, बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट से अमन आप पढ़ाओगे, है ना, आपको पढ़ाने की इच्छा है तो बताओ, है ना। चलिए सुनिएगा, तो मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पर, यस, तो यहाँ पर कौन कौन है, तो चार एनिमल्स हैं, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है और लायन है, या अगर आपने लॉयन पढ़ाया तो लॉयन है, ठीक है। एंड एंड कैपिटल इज क्राउंड बाय द व्हील ऑफ द लॉ, धर्म चक्र, है ना। इसमें क्या है, एक ये धर्म चक्र भी बना हुआ है, ये क्या है, इसमें एक धर्म चक्र भी बना हुआ है। तृप्ति कह रही है और रखो संकोच, आप तो बोलो ही मत, आप तो डबल डबल सुन रहे हो तृप्ति, आपको तो अधिकारी नहीं बोलने का। चलिए आगे, नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड कौन सा है, ये अपनी मोर है, मोर, है ना, इंडियन पिकॉक, इसको क्या कहते हैं अपन, इंडियन पिकॉक। अब पूर्वी कह रही है मेरे इंग्लिश टीचर फॉरेनर है, फॉरेनर थे, वाह रे बहुत बढ़िया, समझ में आता था क्या बोलते थे। तो इंडियन पिकॉक है जिसको अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं पेवोक्रिस्टेटस, है ना, ऐसे छोटा मोटा नाम नहीं है इनका, स्पेशल नाम है क्या, पेवोक्रिस्टेटस, ठीक है। पिकॉक तो अपन बोलते थे ऐसे ही नॉर्मल भाषा में, अब हम भाई CACET में आ चुके हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो अब इसका नाम क्या याद रखना है आपको, पेवोक्रिस्टेटस भी याद रखना है। और आपके यहाँ पर मेल और फीमेल के बारे में बताया गया, इनके पंख कैसे होते हैं, है ना, कैसी इनकी जो है ना आईज कैसी होती हैं, इनकी नेक कैसी होती है, ओहो, ठीक है। द एलेबरेट कोर्टशिप डांस ऑफ द मेल, है ना, फैनिंग आउट द टेल एंड प्रीनिंग इट्स फेदर्स इज अ गॉर्जियस साइट, वाह क्या बताया यार, है ना। तो मेल के बारे में बताया, टेल के बारे में बताया, गॉर्जियस साइट के बारे में बताया, तो याद रखो पेवोक्रिस्टेटस, ठीक है। चलिए हम आगे, चलिए हम आगे, नेक्स्ट है आपका नेशनल एनिमल। तो एनिमल होता है आपका टाइगर, है ना, एनिमल होता है टाइगर, लेकिन अब इसको हम क्या बोलेंगे, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस, है ना। और ये क्या है, एक तरह का है ना स्ट्रिप्ड एनिमल है, स्ट्राइप्ड एनिमल है, स्ट्रिप्ड नहीं स्ट्राइप्ड एनिमल है, मतलब इसके ऊपर जो है धारियां हैं, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, एंड दिस दिस गाय इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया,
है ना, सच में इतना पढ़ाया था बताओ। मुकुल कह रहा है मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है करंट अफेयर्स में। अरे कोई डरने वाली बात नहीं यार, करंट अफेयर्स बन जाता है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। आप अगर पढ़ते हो ना तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो करंट अफेयर्स में अटक जाए, ठीक है, चिंता मत करो, इजी इजी लैंग्वेज आपको बातें पूछते हैं। चलो अब देखें आगे, नेक्स्ट आपका नेशनल फ्लावर लोटस है ना, लोटस है भाई, इसको अपन क्या बोलेंगे अब, अब से लोटस बोलना बंद है ना। अभी दिवाली आ रही है ना, तो लक्ष्मी जी की पूजा पूजा करोगे ना तो लोटस मत लाना है ना। घर में क्या लाओगे आप, है ना, नेलम्बो न्यूसीफेरा गैल्टन, नेलम्बो न्यूसीफेरा गैल्टन। तो जब भी आप जाके मांगोगे ना दुकान में या किसी फूल वाले से, तो लोटस नहीं मांगना आप, है ना, कमल का फूल नहीं मांगना आप, क्या बोलोगे इसको, है ना, नेलम्बो न्यूसीफेरा गैल्टन, ठीक है, याद रखना है आपको। अब ये जो है अपने माइथोलॉजी में है ना, एंशंट इंडिया के, तो काफ़ी पुराने ज़माने से इसका महत्व रहा है ना। इंडिया इज रिच इन फ्लोरा, करेंटली अवेलेबल डेटा प्लेस इंडिया इन द 10th पोजिशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी, है ना, फूलों के मामले में, है ना, फूलों के मामले में, फूल नहीं एक्चुअली, फूलों के मामले में, है ना, हम दुनिया में 10वें पोजीशन पर हैं और एशिया में 4थे पोजीशन पर हैं, है ना। यहाँ पर जो है ना, मूर्ख वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, मूर्ख वाला नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल फ्लावर्स के मामले में हम वर्ल्ड में 10वें नंबर है, एशिया पे 4थे नंबर पर है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए तो इतना याद रखना है ना, 10th पोजीशन अपनी वर्ल्ड में है, एशिया में 4थी है। चलिए हम आगे, अब नेक्स्ट है आपका ओलंपिक सिंबल। तो ओलंपिक का जो ये आपके पांच चूड़ियां होती है, जो अपने को है ना ऑडी जैसा दिखता है पर वैसा नहीं है ना, पांच चूड़ियां हैं, तो पांच चूड़ियां जो आपको, पांच गोले जो आपको दिए गए, तो ये भी आपको बताए गए है ना, पांच गोले मतलब आपके पांच कॉन्टिनेंट्स, टोटल 7 कॉन्टिनेंट जो है ऑफिशियली माने जाते हैं, उसमें से पांच कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करता है ना, और सबका कलर भी अलग है ना, आपको बताया भी एकदम लिख के, है ना, लेफ्ट है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्लू येल्लो ब्लैक ग्रीन रेड, है ना, दिख रहा है आपको, ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन रेड, होपफुली आपको ये सब पर्पल नहीं दिख रहे, आपको सही कलर दिख रहा है। टेस्ट में मैंने बोला है डिम्पल, आज ही मैंने ऑफिस में बोला है कि भाई टेस्ट में बच्चों को परेशान ना किया जाए, आप बहुत परेशान हो रहे हो टेस्ट से, मैं समझ पा रहा हूँ। आयुष कह रहा है हैवी इग्नोर, क्या बोल दिया आपने आयुष ऐसा, ठीक है। तो ये पांच कलर की चूड़ियाँ हैं आपकी, है ना, ये आप पहनो, पहनाओ आपकी इच्छा है, ठीक है, ब्लू येल्लो ब्लैक ग्रीन रेड, अब कैसे सजाया है उनको ये भी आपको बताया गया है, ठीक है। The Olympic symbol expresses the activity of Olympic movement and represents the union of the five continents and the meeting of the athletes and throughout the world at the Olympic Games. तो यहाँ पर पांच continents को यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं कि भाई पांच continents इसमें हैं, ऐसा माना जाता है। खुशी कह रही है चूड़ियों का कलर भी याद रखो, अभी आप लोगों के लिए तो ईजी होगा ना, है कि नहीं। रीति कह रही है 5 मिनट में लास्ट में बात करोगे ना हम लोगों से, कर लेंगे जूम मीटिंग में कर लेंगे यार, उसमें क्या है, ये क्लियर है। अब ओलंपिक सिंबल्स, अब ये तो नहीं पूछेंगे आपको, ये तो नहीं पूछेंगे आपको, ये पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हो आप इसमें, लेकिन ये सब जो है आपको नहीं पूछेंगे, चिंता मत करो, ये सिर्फ आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए है ना, ऐसे धक्का मुक्की करना मतलब दिस, है ना, ये देखो ये इंसान गिर रहा है फिसल के, तो है ना, ये घोड़े वोड़े पे बैठा है पता नहीं क्या कर रहा है, बट ठीक है ना, ये बंदूक चला रहा है ये तो समझ में आ रहा है, ये तीर चला रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा होगा, ये पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, तो सॉरी। तो ये सब आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए है ना, बिल्कुल होगा ना आयुष, चैप्टर वाइज मैराथन भी होगा, एक दिन पूरा ही बिठा दूंगा मैं आपको, सुबह से रात तक 12 घंटे, 2 बार मैराथन करा दूंगा बस। चलिए हम आगे हैं, तो ये आपके हुए नेशनल सिंबल्स है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे मासूम मासूम से। नाउ लेट्स कम ऑन टू पेज नंबर 35 एंड आपको दिया हुआ है अवार्ड्स एंड ऑनर। अब आपको दिया हुआ है अवार्ड्स एंड ऑनर, टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में, जो मॉड्यूल के हैं वही अगर टेस्ट में आए तो वो आपके काम के, बाकी आपको डराने के लिए वो। चलिए परफेक्ट है, पढ़े आगे, बिल्कुल दिया, ये आपका एक बार थोड़ा कंप्लीट हो जाए, मैराथन लेने वाला हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो, बस ये और मैं आपको कंप्लीट करवा लूँ है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बस 2 ही पेज का तो है, 2 ही पेज का है, ये मैं करवा दूँ फिर मैं कंफर्टेबली कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर पाऊंगा, 2 पेज पढ़ा देता हूँ, अवार्ड्स ऑनर्स ज़्यादा नहीं है ना, गिनती के 7-8 मिनट लगेंगे, तो आप 500 तो गिनती गिनो, उल्टी गिनती, आपके 2 पेज हो जाएंगे और फिर मैं आपको मिनिस्टर्स की तरफ लेके चलूंगा। बुलेटिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो मैं आपको बुलेटिन करवाऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
चलिए देखिएगा, पढ़े हम आगे। हाइलाइटेड वाले नोट्स ड्राइव में डालकर सेंड कर दूं? मोबाइल में जनरली ओपन नहीं होते हैं ये वाले, भेज तो दूंगा मैं, है ना। किस में ओपन होते हैं? आपके लैपटॉप में जनरली होते हैं, भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तस्मिया के लिए सिर्फ 2 पेजेस, तो 2 तो कम ही होते हैं ना, बस क्या है उसमें पता ही नहीं चलता है। चलिए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो आपको बताया गया है, पद्मा अवार्ड्स इंडिया में दिए जाते हैं, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। तो आपको 2 मेनली अवार्ड्स बताए हैं, मेन वाले, एक आपको भारत रत्न के बारे में बताया है, और आपको फिर पद्म अवार्ड्स के बारे में बताया है, और फिर आपको दादा फाल्के अवार्ड्स वगैरह के बारे में भी बताया है, ठीक है। चलिए सुनिए, सो द पद्म अवार्ड जो इंडिया में दिए जाते हैं, दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ इंडियन अनाउंस एनुअली ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। तो हमने क्या बोला है, रिपब्लिक डे पर, मतलब आइडियली 26 जनवरी के दिन हम आइडियली अपने ये जो पद्म अवार्ड्स हैं ये हम अनाउंस करते हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं बात करता हूँ नेहल, मैं बात करता हूँ, मैंने बोला था आज ऑफिस में, कल वापस से बोलता हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका मुस्कान करिए, मिनिस्टर्स के नाम अब बोरिंग है तो क्या पप्पू और चमेली रख दें फिर, हद हो गई। चलो है ना, ये यार तुम नोरा वोरा बन के आ जाते हो, ऐसे मत करो, है ना, बोलो, उसको अभी डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे, यहाँ पर आओ। पद्म अवार्ड से आपके आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर एनुअली जो रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, ठीक है। पद्म अवार्ड दिए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द पद्म अवार्ड्स कमेटी। तो इसके लिए हमने क्या करके रखा है, हमने इसके लिए करके रखा है पद्म अवार्ड्स कमेटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, इसके लिए कमेटी बनाई जाती है कि भाई किस किस को ये अवार्ड देना चाहिए, और ये कमेटी कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। द नॉमिनेशन प्रोसेस इज ओपन टू द पब्लिक एंड इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड। सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड का मतलब क्या होता है, अगर आपको खुद को लगता है कि आपने जीवन में बहुत सारा कुछ अचीव किया है, अगर आपको लगता है कि भाई आप कमेंटबाजी में एक नंबर है, आपसे अच्छे कमेंट्स कोई कर ही नहीं सकता, है ना, आपसे फास्ट कोई कमेंट्स कर ही नहीं सकता, आप उंगलियां चलाने में बहुत ही तेज हैं, है ना, आप उंगलियां चलाने में बहुत ही तेज हैं, आपसे बेहतर उंगलियां कोई चला ही नहीं सकता मैसेज वैसे टाइप करने वगैरह में, तो आपको लगता है कि भाई हमारे पास बहुत टैलेंट है, तो हमको भी अगर यहाँ पर ना कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, है ना। बहुत हो गए, बोले 17-18 साल हो गए जीवन में धरती पर आए, कुछ मिल ही नहीं रहा अच्छा सा, है ना, स्कूल वाले पकड़ा देते हैं 50 या 100 रुपए की ट्रॉफी, तो ऐसा नहीं, आप चाहे तो खुद भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर सेल्फ नॉमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पद्म अवार्ड्स के लिए पद्म कमेटी बनाई जाएगी, है ना, पद्म कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाएगी, है ना, दे विल नॉमिनेट किस किस को देना है, और सेल्फ नॉमिनेशन भी अलाउड है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, हिस्ट्री एंड रेलेवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट 2 सिविलियन अवार्ड्स, एक भारत रत्न था और एक पद्म विभूषण था। तो पहले 1954 में आया था, है ना, ये कब आया था, 1954 में आया था, ठीक है। 2 सिविलियन अवार्ड्स हमने मेनली निकाले थे, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, फिर हमने पद्म विभूषण को 3 इसमें बांट दिया था, है ना, 3 पार्ट्स में बांट दिया था, कौन कौन सा, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, तो मजा नहीं आ रहा था, हमने इनका नाम रखा था पद्म विभूषण का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, है ना, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में, ऐसे लग रहा था कि भाई आप जो है इसमें लोगों में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो हमने उनका नाम चेंज कर दिया था, है ना, हमने इनका नाम रखा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण एंड आपका पद्मश्री। पहले हमने क्या नाम रखा था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, लेकिन फिर मजा नहीं आया, तो हमने क्या नाम रखा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, तो ये अवार्ड्स का नाम हमने यहाँ पर रखा हुआ है, क्लियर है क्या, ये अवार्ड्स पूछा हुआ है, ये अवार्ड्स बहुत बार पूछा हुआ है, तो ध्यान से सुनना इसलिए, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करो, है ना, अगर आप बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करो तो आपको पद्म विभूषण मिलता है, आपको ना पद्म विभूषण मिलता है, ठीक है। आप अगर एक हाई ऑर्डर में है, मतलब कोई ना कोई समझो आपके पास सरकारी पोस्ट है, है ना, कोई नेता वगैरह है, कोई सरकारी पोस्ट है, कोई डेजिग्नेशन है आपके पास, तो आपको दिया जाता है पद्म भूषण, ठीक है ना, सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या है ना, आपने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया तो आपको मिलता है पद्म विभूषण। अगर आपने है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो किया है, लेकिन आप किसी ना किसी पोस्ट पर हैं, है ना, कोई ना कोई जो है आपको डेजिग्नेशन दिया गया है, मंत्री वगैरह भी हो सकते हैं, तो आपको पद्म भूषण मिलता है। लेकिन अगर आपने अच्छा काम तो किया, लेकिन थोड़ा कम अच्छा काम किया है ना, यहाँ पर क्या है, आपने थोड़ा कम अच्छा काम किया है,
तो क्या आपको दिया जाता है ना, पद्मश्री, आपको क्या दिया जाता है, पद्मश्री। ठीक है, समझ आएगा। तो आपके पास अगर किसी प्रकार की पोस्ट है, आपके पास अगर किसी प्रकार की पोस्ट है तो आपको पद्म भूषण मिलेगा। एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है तो पद्म भूषण मिलेगा, और अगर आपने अच्छा काम तो किया लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं कर दिया, इतने भी झंडे नहीं गाड़े आपने, तो आपको यहाँ पर पद्मश्री मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है ना। चलिए, ये भी क्लियर है। तो पद्म अवार्ड्स आपके 1954 में आए थे, तो आइडियली हर साल बांटे जाते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी बांटे गए थे। 1978, 79, 93, 97, ये 4 साल ऐसे थे जहां पर अवार्ड्स जो है नहीं बांटे गए थे, है ना। कौन कौन से, कौन कौन से साल, 1978, 79, 93, 97। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ अवार्ड्स पूछता है क्या, तो हाँ जी, है ना। आपको नेक्स्ट पेज पे नंबर ऑफ अवार्ड्स वगैरह भी मिलेगा, उस पर मैं आता हूँ। पहले मैंने देखो आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, है ना, और पद्म अवार्ड्स के लिए पद्म अवार्ड कमेटी बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हमने भारत रत्न और पद्म विभूषण ये नाम दिया था, फिर हमने उनको नाम दिया था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग, एंड फिर हमने इसका नाम चेंज कर दिया था पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। परफेक्ट है। देन भारत रत्न, मैंने पद्म अवार्ड्स के बारे में आपको बताया, है ना, तीनों में डिफरेंस क्या होता है ना, तीनों में डिफरेंस क्या होता है मैंने आपको बताया, परफेक्ट। अब उसके अलावा, है ना, उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला है, पहले भारत रत्न के बारे में बोला है, तो जो लेटेस्ट भारत रत्न दिया गया था ना, वो 2019 में दिया था। जो लास्ट भारत रत्न इंडिया में दिया गया था, जो भारत के रत्न थे, वो 2019 में दिए गए थे। तीन लोगों को दिया गया था, किस किस को, है ना, श्री प्रणब मुखर्जी को 2019 में, श्री प्रणब मुखर्जी को दिया था, देन नानाजी देशमुख जी को दिया था, एंड भूपेन हजारिका जी को दिया था। ठीक है, तो 2019 में भारत रत्न बटा था, उसके बाद आपका इंतजार हो रहा है ना, आपको भारत रत्न का वाला अवार्ड दिया जाएगा, है ना। पहला वाला क्या है, श्री प्रणब मुखर्जी को दिया था, फिर नानाजी देशमुख को दिया था, एंड भूपेन हजारिका जी को भी दिया था। कब, 2019 में, है ना, 2019 में, है ना, मुखर्जी जी, मुखर्जी, देशमुख, हजारिका, है ना, मुखर्जी, देशमुख, हजारिका। तो इन तीन लोगों को हमने, है ना, तीन लोगों को हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर ये दिया हुआ था भारत रत्न अवार्ड 2019 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो इंडिया का माना जाता है, वो आपका माना जाता है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, हर साल दे जरूरी नहीं है, सरकार के ऊपर रहता है। द रिकमेंडेशंस आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट, यहाँ पर कौन रिकमेंडेशन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई ये हमारे भारत रत्न है, इनको रत्न दिया जाना चाहिए, ये प्रेसिडेंट को जाके बताते हैं। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो आप मैक्सिमम कितने बांट सकते हो, एक साल में जब भी आपकी इच्छा होगी, जिस भी साल में, तो मैक्सिमम 3 आप बांट सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं। यहाँ पर जो भारत रत्न दे सकते हो ना, मैक्सिमम 3 लोगों को दे सकते हो किसी एक साल में, और यहाँ पर हमने 2019 में दिया था प्रणब मुखर्जी जी को, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका। परफेक्ट है, क्लियर है क्या, बताइए हाँ या ना। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, किसको जाके बोलते हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि भाई हमारे रत्न बाज चुके हैं, इनको जो है भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाए। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया। चलिए, तो ये मुद्दे हुए, देन पद्म अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी अपना कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट, है ना, इन्होंने बोला है कि ये अवार्ड्स जो है किसको नहीं मिलेंगे, ये अवार्ड्स किसको नहीं मिलेंगे, सो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयूज। पीएसयू मतलब क्या है, पीएसयू मतलब आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयू मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब सरकारी कंपनियां, काइंड ऑफ, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब, यस ओम, छे हुए, है ना, छे हुए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोले तो क्या, कि आपकी सरकारी कंपनियां, जैसे आप कोल इंडिया वगैरह वगैरह में काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट में हो, है ना, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्विस में हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, है ना, अगर आप पीएसयू के साथ काम कर रहे हो तो भी आपको नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हो तो मिल सकता है, साइंटिस्ट हो तो मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एकदम डन। आयुष कैरी 2020 में दिया था, नहीं 2019 में दिया था, है ना, यहाँ पर जो आपको दिया गया था ना, वो कब दिया था, 2019 में दिया था, ये वाले 25 सितंबर 2019। 2020 में तो भाई कोविड था, और उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिला हमको,
हम इंजेक्शन लगाने में पूरे हैं। अच्छा आज की तारीख है, आज 100 करोड़ वैक्सीन इंडिया में पूरी हो चुकी हैं, है ना। ये भी एक तरह का करेंट अफेयर ही है ना। 21 अक्टूबर ये एक ऐसा पावन दिन है जहां पर हमने इंडिया में टोटल 100 करोड़ इंजेक्शन लगा दिए। टोटल हमने 100 करोड़ इंजेक्शन आज लगा दिए हैं आज। ऐसा क्यों, मतलब समझा नहीं मैं, है ना। आप जैसे रत्न सरकार के सामने नहीं आए होंगे तो इसलिए नहीं दिया, है ना। चलिए तो यहां पर आपको क्या बोला, यहां पर आपको क्या बोला इन्होंने, है ना। ये तारीख भी याद रखना, 21 अक्टूबर को हमने 100 करोड़ वैक्सीन जो है वो लगा दिए। तृप्ति कह रही है मोदी जी ने दाढ़ी कटवाई आज, देखना पड़ेगा, कुछ तो था उनका ना, मैंने देखा नहीं। चलो अनम स्टार कह रहे हैं बस 90 लाइक ही सर, ये बच्चे बहुत कंजूस हो गए अपने, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। और इनको लगता है कि एक एक लाइक का एक एक रुपया कट जाता है इनके जेब से, है ना। पेटीएम गूगल पे से एक एक रुपया कटता है क्या आपका? नहीं ना, फिर क्या दिक्कत है। कटता भी होगा तो क्या 1 रुपये नहीं दे सकते, 30 लेक्चर के 30 रुपये। ओह क्या लोग यार, तुम हद मचाते हो। चलिए सुनिए, है ना, सुनेगा। तो यहाँ पर अब आपको बुलाया, यहाँ पर बताया गया कि टोटल अवार्ड्स हमने कितने बांटे हैं, टोटल अवार्ड्स हमने आज तक के कितने बांटे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये नया वाला डेटा है, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ नहीं नया वाला डेटा ये इम्पोर्टेंट है, तो सुनेगा। तो 2020 तक, है ना, पहले मैं आपको टेबल पढ़वा देता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे, है ना, फिर हम आगे चलेंगे। हर्षाली कह रही उंगली फ्रैक्चर है और तेरी। चलो तो यहाँ पर 2020 में, और ये कैसे लिखा फिर आपने, पैरों की उंगलियों से लिखा क्या हर्षाली, है ना, उंगली फ्रैक्चर ये कैसे लिख रहे हो आप, बहुत टैलेंट है आप में, ये जैसे टाइप कर रहे हो वैसे लाइक भी तो मार सकते हो। चलिए तो 2020 में टोटल जो हमने भारत रत्न वगैरह बांटे थे वो कितने बांटे थे 2020 तक, हाँ तो 48 थे और अभी भी 48 है, इसमें तो कुछ एडिशन नहीं हुआ है ना, भारत रत्न में कोई भी एडिशन नहीं हुआ है। पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री, सो 314 1271 एंड 3123, ठीक है। तो यहाँ पर पद्म विभूषण कितने थे, 314 थे, 314 थे, देन 1271 था एंड 3123। ये तो याद करना इजी है, पद्मश्री याद करना इजी है, 3123 है ना, कितना 3123, परफेक्ट। देन पद्म विभूषण कितना, 314, पद्म भूषण कितना, 1271, है ना, 314, 1271, जिनको हिंदी में याद होता है हिंदी में याद कर लो ना, 314 और 1271, सो 314, 314 एंड 1271 एंड 3123, ये हमने बांटा था 2020 तक। अब 2021 में, और 2021 में और यहाँ पर एडिशन हुआ है 710 एंड 102। 2021 में और जो हमने बांटे हैं वो इतने बांटे हैं, है ना, 710 एंड 102। तो आप टोटल भाई यहाँ पर कर सकते हो अगर आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है, टोटल भी लिख दूंगी एक बार। तो ये आपका हो गया 321, ये आपका हो गया 1281 और 3123 इज 3125 इज 3225। तो ये अब आपके टोटल हैं 2021 तक, ठीक है। 2021 में कितने बांटे गए, 7, 10 और 102 बांटे गए, ठीक है, 7, 10 और 102 बांटे गए, है ना। इसके अलावा देखो भारत रत्न 48 ही है, पद्म विभूषण आर 314, पद्म भूषण आर 1271 एंड पद्मश्री, पद्मश्री आपके कितने हैं, तो वह 3123 और 7, 10 और 102, 7, 10 और 102, ये कितने हो गए आपके अभी 2021 में लेटेस्ट वाले बांटे गए। मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को क्यों नहीं देते, क्योंकि बेसिकली जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब वाले तो भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं इस वजह से, ठीक है, परफेक्ट क्लियर। खुशी कह रही है सीए का कैलकुलेशन देखने मिला आज, सीए मतलब करेंट अफेयर्स होता है ना आपके हिसाब से, है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो आगे, नेक्स्ट है दीज अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अवार्ड्स कौन देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, कहाँ पर देते हैं, राष्ट्रपति भवन में देते हैं, है ना। हर साल मार्च अप्रैल में ये मूड बनाते हैं, है ना, मार्च अप्रैल के आसपास मूड बनाते हैं कि भाई आप अपने को अवार्ड्स देने, है ना। इन द ईयर 2020 कितने कितने अवार्ड्स थे, तो भाई मेरे जब 2020 का आप याद मत रखो, है ना, 2020 में कितने कितने दिए थे ना, तो 2020 के याद मत रखो, इंडिविजुअली याद मत रखो, इंडिविजुअली याद मत रखो, लेकिन 2021 के लेटेस्ट वाले इंडिविजुअली याद रखना है, 7, 10 और 102, 7, 10 और 102। आदेश कह रहे सुपर चैट करने क्यों नहीं दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है सुपर चैट, कैसे, मन की आंखों से देखो, देखो इच्छा होनी चाहिए, इच्छा, है ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, है
ओके, नहीं सुपर चैट नहीं तो गूगल पे फोन पे नंबर तो है ना आपके पास मेरा, है ना? नियत होनी चाहिए, नियत देने की। चलिए बहुत जल्दी होगा ना, बहुत जल्दी होगा। 7, 10 और 102। देन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, तो दादा फाल्के साहब अवार्ड है कि नहीं, बस मुझे इतना ही आपको पढ़ाना था आज के लिए। दादा फाल्के, है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। तो यहाँ पर ये इंडियन सिनेमाज इन्होंने स्टार्ट किया था, है ना, इंडियन सिनेमाज में इन्होंने पहली पहली मूवी बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, पहली इंडियन फीचर फिल्म बनाई थी, है ना, अच्छे से प्रॉपरली थोड़ा ऑर्गेनाइज करके बनाया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में, 1913 में। तस्मिया करिए सर, समय हो गया, सुपर चैट करने क्या बोला तो समय याद आ गया अब आपको, बस यहीं तक था अपना। चलो सुनो, सुन लो इसको। टू ऑनर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इनका नाम क्या है ना, धुंधीराज गोविंद फाल्के, इनका नाम क्या है, धुंधीराज गोविंद फाल्के। द नेशनल फिल्म अवार्ड्स, द नेशनल फिल्म अवार्ड्स नेम्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड कोवेटेड अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा आफ्टर हिम। तो भाई ये धुंधीराज गोविंद फाल्के जी को हमने यहाँ पर सम्मान देने के लिए हमने यहाँ पर अवार्ड बांटना स्टार्ट किया, है ना। ही इज द मैन हु मेड द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन 1913 में बनाया था। ही वेंट ऑन टू मेक 95 फिल्म्स, टोटल 95 मूवीज बनाई हैं, 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं सिर्फ 19 साल के पीरियड में, है ना, इतना फटाफट फटाफट उन्होंने काम निपटाया। 19 साल का जो इनका स्पेन था, 95 मूवीज बनाई थी एंड 26 शॉर्ट मूवीज बनाई थी, है ना। ये कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 1969 में। ये अवार्ड कब आ गए थे, ये अवार्ड आ गए थे आपके 1969 में, ठीक है। द फर्स्ट रेसिपिएंट वॉज देविका रानी, तो भाई रानी को अवार्ड दिया था हमने सबसे पहला, है ना, देवी जैसी रानी थी ये। इनका नाम क्या था, नहीं इनका नाम क्या था, देविका रानी। प्रांजल कह रही है सर मैं जा रही हूँ, आप बेबी को लाओ, तो मैं भी तो छोटू बेबी हूँ ना, बिल्कुल, है ना। चलो सुनो, यहाँ पर जो जो मैंने हाईलाइट किया है सब याद रखना है, आकर्ष आकर्ष सब याद रखना है, जो जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 95 मूवीज एंड 26 शॉर्ट फिल्म्स इन्होंने बनाई थी विद इन अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स। 1969 में इन्होंने लाया था, फर्स्ट रेसिपिएंट वॉज योर देविका रानी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिया जाता है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड को आपने हल्का फुल्का मत समझो, आपने इसको हल्का फुल्का मत समझो कि ऐसी ट्रॉफी देके भगा देंगे, नहीं भाई, है ना, स्वर्ण कमल देंगे। स्वर्ण कमल मतलब आप एक बार, है ना, यूट्यूब पर देखना, आपको आप गूगल पर देखना स्वर्ण कमल कैसा दिखता है, सोने का कमल, है ना, सोने का कमल आपको मिलेगा। 10 लाख रुपए भी मिलेगा भाई, 10 लाख रुपए, है ना, कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। वो 10 लाख रुपए अगर आप बैंक में भी रखवा देते हो तो 5% से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50,000 साल भर का, तो महीने का 4,000 का आपका ऐसे खर्चा निकल जाएगा ना, आप अपना नॉमिनल खर्चा तो निकाल ही सकते हो 4,000 में। 10 लाख रुपए आपको देंगे, है ना, सर्टिफिकेट देंगे और स्किल, है ना, सिल्क का स्क्रॉल देंगे। सिल्क का स्क्रॉल बोले तो स्क्रॉल मतलब वो ऐसे नहीं होता है कि भाई ऐसे एक फोल्डेड चीज़ होती है जिसको हम खोलते हैं, कैसे बताऊं मैं आपको, दिखाता हूँ। और क्या देते हैं, एक शॉल भी देते हैं, है ना, शॉल भी आपको पहनाएंगे, चिंता ना करो। है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके दिमाग में रहेगा उत्तेरी, अबे ये थोड़ी लेना हमको, ये तो इन्होंने भाई, है ना, बेचने वाली चीजें चालू कर दी, नहीं है ना, सॉरी, इनको लग रहा है कि हम, अच्छा हुआ है ना ऐसी मॉडलें आई, नहीं तो गूगल का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी सामने लेके आता है। सिल्क स्क्रॉल मतलब ये, है ना, ये इसकी बात कर रहा था मैं, वो लड़कियां पहने हुई थी उसकी बात नहीं कर रहा था मैं, ये ऐसी चीजें होती है ना, दिस थिंग, है ना, तो ये वाली चीजें होती है, तो ये भी आपको दिया जाता है। स्वर्ण कमल भी दिया जाता है, स्वर्ण कमल, है ना, देख लिया ना आपने ये, स्वर्ण कमल भी दिया जाता है दादा फाल्के अवार्ड्स में, तो देखते हैं वो भी। ये है, दिख रहा है आपको, ये गुलजार साहब है, वैसे मैं आपको बता दूं तो इनके हाथों में स्वर्ण कमल, और भी अच्छे से होगा यार, हाँ ये वाला है, यहाँ देख लो, ये आपका स्वर्ण कमल, ये ऐसा होता है स्वर्ण कमल, ये भी दिया जाता है, शॉल वगैरह भी आपको दी जाती है, ठीक है, परफेक्ट। और 10 लाख रुपए भी मिलते हैं, और क्या चाहिए जीवन में। अब ये किसको मिला था, तो लेटेस्ट 2019 में अमिताभ बच्चन जी को और रजनीकांत जी को, दोनों को मिला था, ठीक है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को जो है वो इंडियन सिनेमाज के लिए दिया हुआ था,
एंड साउथ की जो मूवीज बनाते हैं आपके, है ना, अपने थलाइवा जो है उनको दिया गया था। गुलजार साहब कौन है? गुलजार साहब बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, मतलब शायर हैं, गाने लिखते हैं और बहुत कुछ लिखते हैं, काफी नाम है उनका। चलिए, तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को मिला था 2019 में, और है ना रजनीकांत जी को भी मिला हुआ था। परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया? चलिए, तो गाइज ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स। तो आज के लिए फिर हम यहीं पर रुकते हैं, वक्त भी अपना हो चला है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ, आदिश जैन ने 40 रुपये भेजा है। आदिश जैन ने यहाँ पर 40 रुपये का योगदान किया है। बहुत बहुत तालियां हो जाए आदिश जैन के लिए। आदिश जैन ने यहाँ पर 40 रुपये का योगदान किया है, समाज में इनका जो है बहुत बड़ा जो है नाम होगा। और ये कह रहे हैं कि प्रभु स्लो मोड हटा दो, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बोल रहे हो आप, अभी हो गया ना लेक्चर खत्म। अंबिका करिए, आप बहुत इग्नोर करते हो, कल से कम करेंगे भाई, कल से कम करेंगे। देखो पढ़ाना भी होता है ना यार, पढ़ाऊं कब मैं, है ना, आपसे गप्पे मारते रह जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब मैं, हद नहीं होगी। चलिए, तो गाइस आज के लिए रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गाना सुना देता हूँ अच्छा सा, है ना, एक अच्छा सा गाना सुना देता हूँ। है ना, एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ, कौन सा सुनाऊँ मैं सोच रहा हूँ। देविका रानी को पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, मैं कौन सा गाना सुनाऊँ आपको, पुराने ही थोड़ी तो कोई तो सुनाता हूँ। पुराना गाना सुनाता हूँ, पुराना गाना आपने सुना होगा कभी ना कभी, है ना। शिवम आपको गलत गलत फहमिया है, शिवम आपको गलत फहमी है, कोई ऐसी ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोचते हो। कर लो बात, जिससे बात करनी कर लो। चलिए सुनिएगा, पुराना गाना सुनाता हूँ, एक प्यारा वाला, है ना। एक तो मुझे याद आ रहा है, बट उसके अलावा मैं एक और सोच रहा हूँ। प्यार दीवाना होता है ना, सुनो, प्यार दीवाना होता है, सुनो, वो सुनाता हूँ। है ना, नहीं, प्यार दीवाना होता है, सुना दो, सुनो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। नेक्स्ट सुनो। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले नजारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इसमें जो चार पंक्तियां हैं, और सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज के यहीं पर रुकते हैं, हो गया पहले का पूरी कोटा पूरा हो गया आपका गाने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेनी मेनी थैंक्स। चलिए आज के यहीं पर रुकते हैं, है ना। लाइक कमेंट करना मत भूलना भाई, है ना, ये आप कर ही दिया करो आप बिना बोले। चलिए भाई मिलेंगे कल हम शाम को, और ये जो चैप्टर है फाइनली इसको हम खत्म करेंगे। चलिए बाय।